हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। आज वीडियो आम कौन आलोचना करवा ना वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट नंबर सेभेन आसीरियन सिविलाइजेशन एसीरियन सिविलाइजेशन जो अच्छी एसीरियो सभ्यता से एसीरियो सभ्यतार जिते भी पॉसिबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाखापाखि 43 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम आज आलोचना करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक विभिन्न एग्जाम तुम मन आवश्यक पड़ो SSB हो PGT एग्जाम हो SSB लेक्चरशिप एग्जाम हो TGT एग्जाम जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी आवश्यक पड़ो OPSC SSB तो विभिन्न एग्जाम जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो एवं SSB रो जेकोसी एग्जाम एसीरियो सभ्यता तुम मान सिलेबस अच्छी तो निश्चित भाव दरकार आसीबो। तो आशा करूँ पाखापाखि 43 टी क्वेश्चन अच्छी 7 टी क्वेश्चन एमती अच्छी से क्वेश्चन भितर ही आम मुझे आंसर कहीदेवि पाखापाखि 50 टी क्वेश्चन डिस्कसन हे 43 टी क्वेश्चन लिखित आकार में अच्छी। तो आशा करूँ आज वीडियो आप बहुत भल लगे जो वीडियो बहुत भल लगुच निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ पाखर जो बेल आइकन बजाई दिखाँ तरह चलो कर आज वीडियो आज फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हेयर डिड द एसीरियन लिव तमें एसीरियो मैंने क्योंठार बसवास करुथिले। तो ऑप्शन ए रे रहिला कौन मेसोपोटामिया इजिप्ट रोम एंड अफ्रीका। तो राइट आंसर कौन हम एसीरियो मैंने क्योंठार बसवास करुथिले तो राइट आंसर हम कौन ना मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तीन टा आसो प्रथम आसो सुमेरियो तापर आसो बेबिलोनियो तापर आसो एसीरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एसीरियन एम्पायर अराउंड तामने व्हेन वाज द एसीरियन एम्पायर अराउंड केते मसीहा बेलकू एसीरियन एम्पायर प्रतिष्ठा होता आम विश्वास करवा विश्वास करवा पाखापाखि 1100 BC बेलकू जिते बड़े तिग्लत पिल्सर फास्ट ओके 1100 BC बेलकू कौन करते सी ना एम्पायर को प्रतिष्ठा करते किए ना तिग्लत पिल्सर फास्ट 1100 रु 612 BC हूँ तुम कौन 612 BC हूँ लास्ट ओके जो पर्सियन मैंने इनभाजन कले एसीरियन एम्पायर ध्वंस कर देते 1100 BC बेलू कौन होता है तिग्लत पिल्सर कौंडर में फास्ट एसीरियन एम्पायर फाउंड होता प्रतिष्ठा होता तुमको रईटा कौन हम 1100 रु 612 BC दुटा आंसर मिलगला किए इनभाजन करते ना क्या इनभाजन फल एसीरियन एम्पायर डिक्लेन है पर्सियन तापर फाउंडर किए ना तुम तिग्लत पिल्सर फास्ट एसीरियन एम्पायर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच सिटी डिड द एसीरियन फ्लाटेन देन रिबिल्ड जे एम कौ सीटी को एसीरियन मैंने फ्लाटेन करते कौन करते पुणि पुनर्वर रिबिल्ड करते। तो ऑप्शन अच्छी उर बेबिलोन अलेक्जेंड्रिया एवं रोम तो रोम राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम बेबिलोन जो सीटी को से कौन पुनर्वर निर्माण करते कहीं विश्वास कले जो गड अच्छा मारडुक काले मारडुक जो बेबिलोन मान चीफ गड काले असंतुष्ट हो कौन करते ये बेबिलोन एम्पायर को ध्वंस कर देते पुनर्वर कौन करते बेबिलोन सीट को सी निर्माण करते रिबिल्ड करते। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेयर डिड सेनाचेरिब बिल्ड हिज पैलेस सेनाचेरिब जे थे जे एसीरियो राजा से क्योंठार निजर पैलेस प्रासाद निर्माण कर ऑप्शन अच्छे निनेव निर्मुड कोनसेस एंड कौन अच्छी बेबिलोन तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम निनेव निनेव ठारे कौन होता तो निनेव ठारे कौन होता ना निनेव ठारे सेनाचेरिब कौन करते पैलेस टी निर्माण कर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड किंग्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ मेसोपोटामिया हाव टू डू टू कीप द एसीरियन किंग फ्रॉम कंक्वेरिंग देम तो मैंने ईस्ट एवं वेस्ट रे जो मेसोपोटामिया जो अधिवासी मैंने रोते से मैंने कौन करुले जहाँफल कौन होता ना एसीरियो मान कबल रक्षा पाइबाप एसीरियो मैंने जमी विजय न करूँ से कौन करुले ऑप्शन होती बिल्ड ए पैलेस गोटे पैलेस निर्माण करते पे ट्रिब्यूट ओके देन गिव देम देयर डॉटर थ्रो ए पार्टी तो मैंने कौन से विभिन्न प्रकार मानने अर्थ आकार शस्य आकार कौन करते कर आकार दौले जहाँफल कौन होता ना पे ट्रिब्यूट जहाँफल कौन होता से एसीरियन मैंने कौन करते तो नर्थ आउ ईस्ट जो मेसोपोटामिया विभिन्न जाति मैंने रोते से कौन करते सुरक्षित अनुभव करते एसीरियन मैंने कौन करते आक्रमण करते तो राइट आंसर कौन पे ट्रिब्यूट।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वाज फाउंड इन द लाइब्रेरी ऑफ निनेव। जो लाइब्रेरी अच्छी निनेव ठारे अच्छी बड़ लाइब्रेरी, से लाइब्रेरी आम कौन पाते 30,000 बुक पाती, 30,000 स्टोन टैबलेट्स पाती, 30,000 स्क्रोल पाती, नथिंग किसी पाते नहीं। राइट आंसर कौन हे ना 30,000 स्टोन टैबलेट्स पाई कौटू ना निनेव्र जो लाइब्रेरी थी असुर एसिडिया मानक जो कैपिटाल थी निनेव। निनेव का नाम अनुसार होता गड़ नीना का नाम अनुसार चीफ गड एस थी नीना नाम अनुसार कौन होता निनेव होता तो सौटे आम कौन पाई लाइब्रेरी पाई लाइब्रेरी कतोटी पाखापाखि कौन मिली आमको 30,000 स्टोन टैबलेट्स पाई। ओके कादुअर फलक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द एसिरियन शेयर विथ द सुमेरियन। जे एथिम जो ऑप्शन दे कौ ऑप्शन टी सुमेरियन मान सहित एसिरियन मान खाप खाऊला मिसुला लांगुएज करेन्सी लाइफ स्टाइल रिलीजन। राइट आंसर कौन हम रिलीजन कौन थी ना एसिरियन मान आ सुमेरियन मान सहित खाप खाऊला मिसुला। क्वेश्चन नंबर 8, हु इवेंचुअली कंक्वर्ड द एसिरियन एम्पायर। किए एसिरियन एम्पायर को कंक्वर कर 612 बीसी रे ऑलरेडी मुझे कही थी आंसर ऑलरेडी प्रूफ फास्ट मुझे कही देखिए पर्सियन हम राइट आंसर जो एसिरियन एम्पायर डिक्लाइन है पर्सियन मैंने कंक्वर करी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेयर वाज द सेंटर ऑफ एसिरियन एम्पायर। एसिरियन एम्पायर जो था मुख्य केन्द्र स्थल कौट था ऑप्शन देखिए इजिप्ट इज्राएल नॉर्दर्न मेसोपोटामिया साउथर्न मेसोपोटामिया तुर्की पांचटा ऑप्शन हो गला। राइट आंसर कौन हम ना नॉर्दर्न मेसोपोटामिया थिला सेंटर नॉर्थ मेसोपोटामिया थिला सेंटर एसिरियन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एसिरियन टू क्रिएट एन एम्पायर आफ्टर द अकाडियन एम्पायर आफ्टर द अकाडियन एम्पायर फेले पार्ट। तम कौन बुझ अकाडियन एम्पायर पतन पर किए थिले जे फास्ट किंग ऑफ द एसिरियन टू क्रिएट एम्पायर। आम तो देखिए ऑफिशियली हो तिग्लथ पिलेसियर ओके जे 1100 किंतु तांको पूर्वर मध्य अनऑफिशियली किए थिले जे कौन करथिले अकाडियन माने जो कौन गला परे से एर मूलद्वा स्थापन करथिले। ओके तो रियल फाउंडर हो तिग्लथ पिलेसियर किंतु तर मूलद्वा किए पकेथिले ना तमरो ऑप्शन दी सारगन सेकंड हामुराबी असुरबानीपाल तिग्लथ पिलेसियर फास्ट अच्छे कि हम नहीं देखिए। राइट आंसर कौन हम शामसी आदाद। शामसी आदाद थे फास्ट से कौन करते समय जो एसिरियन एम्पायर थिला ओके से कौन करते एसिरियन टू क्रिएट एन एम्पायर आफ्टर द आकार मैं गोटे एम्पायर को प्रतिष्ठा करवाकर प्रमुख भूमिका थी कितु जी आम रियल फाउंडर देखा सी एवं किए ना तिग्लथ पिलेसियर फास्ट किंतु यदि देखिए किए को एम्पायर को कन्वर्ट करने को चेस्टा करते प्रथम थर पर किए मूलद्व स्थापन करते सी हम शामसी आजाद। क्वेश्चन नंबर 11 रे कौन हो देखा व्वेन द एसिरियन एम्पायर व्वाज आट स्पीक ह्वाट लैंड डिड इट्स कंट्रोल। तम कौन बुझ जितेबाला एसिरियन एम्पायर मैंने पिक्रे थे ह्वाट लैंड कौ लैंड कंट्रोल करते ऑप्शन देती तुम कैप्रस इजिप्ट मेसोपोटामिया इज्राएल आउ ऑल ऑफ दि एबव। राइट आंसर कौन हम यह मेसोपोटामिया बुझिपार मेसोपोटामिया को कौन कर पिक्रे थे टोटाल मेसोपोटामिया कंट्रोल रे थिला। क्वेश्चन नंबर 12, अराउंड व्हाट ईयर डिड द लास्ट ऑफ द एसिरियन एम्पायर फॉल टू द बेबिलोनियंस। तमें कौन केते बीसी रे मैं कही परिबा जे अराउंड व्हाट ईयर डिड द लास्ट ऑफ द एसिरियन एम्पायर फॉल टू द बेबिलोन मैंने मुझे कह फास्ट एसिरियन एम्पायर थिला तापर पुणी कौन हैला डिक्लाइन हैला तो यहाँ के 612 बीसी रे पर्सियन मैंने अटाक करते पर्सियन मान जो न्यू बेबिलोनियन एम्पायर प्रतिष्ठा है पुनर्व प्रतिष्ठा होता है मनोकित केवे हम यहाँ 612 बीसी रे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वेयर द एसिरियन मोस्ट नोन फॉर। आम एसिरियन मानक कौन पर मुख्यतः जानती दे आर फियरसम आर्मी एंड वॉरियर्स दे आर पोटेरी दे आर आर्ट एंड पेंटिंग इनवेंटिंग ऑफ फास्ट फॉर्म राइटिंग दे आर पीसफुल रूल ऑफ द लैंड एंड दे कंक्वर्ड। तो राइट आंसर कौन हम आम जब एसिरियन मानक जानते केवल गोटे गुण पर आर्मी आउ वॉरियर्स से आम जानती। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एसिरियन सिटी
हेल्ड ए फेमस लाइब्रेरी अफ थाउजेंड्स अफ के टेबलेट्स मैंने कौ एसीडियम से आम बहुत संख्यार मटीर कादुअर फलक आम पाती गोटे लाइब्रेरी थी तो लाइब्रेरी मैंने अप्सन रईट रईट आंसर कौन हाँ निनेप निनेप ठे लाइब्रेरी थी आम से कौन होते थाउजेंड्स हजार हजार संख्यार जो मटीर फलक आम पाती। तो क्वेश्चन नंबर 15 रे कौन रोचे फाट मेटाल डीड द एसीरियान यूज टू मेक देयर वेपन्स चारिटो आंड टूल स्ट्रंग से कौ मेटाल से यूज करते निजर रथ या हो अस्त्रशस्त्र या कौ मेटाल को यूज करते ब्रोंज गोल्ड आयरन स्टील टीन राइट आंसर कौन हम ना आयरन मन रखता एसीरियान मान आयरन व्यवहार व लुहर व्यवहार जनाथिला एवं से लुहा व्यवहार वेपन्स तैयारी करते चारिटर्स तैयारी करते विभिन्न प्रकार जो टूल्स थी स्ट्रंग करते। क्वेश्चन नंबर 16 हु वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ एसीरियान एसीरियान मानकर शेष राजा किए लास्ट ग्रेट किंग ओके शेष मुख्य राजा किए थे कहींपर तो ऑप्शन दे सारगन सेकेंड शामसी आदत शामसी तो हम शामसी दौरान रे फास्ट फाउंडर तब तिलगत पेल्सियर थार्ड हम नहीं सेनाचेरी तो हम असुर बाणी मन रखता सारगन सेकेंड हो जो किए असरपरा मन रखता सारगन सेकेंड होती एसी मान जे असरपर किंग बलपूर्वक भाव में सी जे जेनेल थे आर्मीर और बलपूर्वक भाव में सिंहासन करते किए ना सारगन सेकेंड तो राइट आंसर कौन हम लास्ट ग्रेट किंग किए एसी मानक असुर बाणी पाल। क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द मेन गॉड ऑफ एसीरियन्स एसीरियन मानक मुख्य देवता किए थे चीफ गॉड असुर निर्मूड साम्स एंड मार्ड्रो 17 राइट आंसर कौन हम ना असुर असुर थे एसीरियन मानक मुख्य कौन होती देवता तो यह विश्वास कर जाए असुर मानक नाम एसीरियन नाँटी आसी अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 फास्ट टू लास्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द क्रिएशन ऑफ सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया जो एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर चार नंबर भल भाव देखी दियो आम देखा कौटा हो ऑर्डर सिस्टमेटिक अच्छी जो सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या कौ सभ्यता मेसोपोटामिया आसी मन रखा मुझे कौन कही फास्ट सुमेरियो फास्ट सुमेरियो आसो ये बेबिलोन अच्छी हम नहीं सुमेरियो अच्छे सीरियो उड हम नहीं तो फास्ट आसला सुमेरियो बेबिलोन एसीरियो करेक्ट आंसर कौन है फास्ट सुमेरियो एस बी ए ए सुमेरियो बेबिलोन एसीरियो। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कौन अच्छी द एसीरियन एम्पायर इनक्लूडेड इजिप्ट क्वेश्चन पचार एसीरियन एम्पायर रे इजिप्ट इनक्लूड थिला कि हाँ कि ना तो 19 नंबर तुम आंसर कौन हो हाँ कि ना तो राइट आंसर कौन हम हाँ ट्रू तुम भाव केमी मन रखता हो 671 बीसी मन रखता हो 671 बीसी कौन होता ना आपको कंक्वर करा जाइतिला ओके तो 671 बीसी रे नहीं कि 664 बीसी पर्यंत जो इजिप्ट रे 25 नंबर डायनेस्टी थिला 25 नंबर राजवंश थिला तो 25 नंबर राजवंश समय रे कौन होता ना एसीरियन माने इजिप्ट रे गोटे लैंड को कंक्वर करते के 671 664 पर्यंत केते नंबर डायनेस्टी रे शासन करते 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ डिड एसीरियन बुरियल डिफर फ्रॉम अदर प्लेस इन मेसोपोटामिया तमाने मेसोपोटामिया सभ्यतार जो बुरियल प्रतिष्ठा थिला केमिति एसीरियो मानक डिफरेंट ऑप्शन देला एसीरियन ममिट ममिफाइड देर बॉडी इजिप्टियन मानक ममिफाइड बॉडी करते ना एसीरियन कंसल्टेड देर डेड फॉर एडवाइस इमिति डिफरेंट आसब द एसीरियन बुरीड देर डेड एट होम द एसीरियन कंटिन्यूड टू सेट ए प्लेस एट देर टेबल फॉर द डेड ना राइट आंसर कौन हम द असीरियन बुरीड देर डेड एट होम मन रखता असीरियन मैंने कौन करते जो मैंने मरी जाते तो से निजक स्मृति को मन रखापाई डेड बॉडी को घर पाखे गोटे गोटे जगह घर में देखा जाम तैयारी करते कौ मैंने एसीरियो मैंने कौन डिफरेंट कौटा आ मेसोपोटामिया सभ्यता मध्य द एसीरियन बुल्ड देर डेड एट होम। क्वेश्चन नंबर 21 कौन आउ डिड एसीरियन प्रोटेस्ट
प्रोटेक्ट देयर बिल्डिंग एसीरिया माने किपर तांकर बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करथले ऑप्शन दे जे डेकोरेट देम एनोनिमस डेमन विभिन्न प्रकार भयानक चित्र डेमन्स असुर मान को चित्र कुतिर डेकोरेशन करथले जा फले लोक मान डरि जाउथले दे टोल्ड पीपल द बिल्डिंग वर हंटेड लोक मान को ए बिल्डिंग ता बहुत भयानक बिल्डिंग तमे के आसो नै दे प्रोटेक्टेड देम विथ आर्मड गार्ड बा से माने सैन्य बाहिनी साहाय्य तांको बिल्डिंग रक्षा करथले तो केमिति राइट आंसर कोन हबो एठो दे इंस्टॉल्ड प्रिमिटिव फायर अलार्म एंड स्प्रिंकलर सिस्टम ना राइट आंसर कोन हबो एसीरे माने किपर तांको बिल्डिंग के प्रोटेक्ट करथले ना दे डेकोरेट देम विथ एनोरमस डेमन्स क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच असीरियन वेपन हेल्प चेंज हाउ बैटल वेयर फट माने को एसीरियन वेपनटा थिला जोटा कि साहय करूला कौन को बैटल वेयर फट ओके चेंज हाउ बैटल वेयर फट 22 नंबर राइट आंसर एटा कौन हम ऑप्शन दे ए देख सीज इंजिन एंड सैरिटोस बी दे आयरन आर्मर एंड फील्ड बोट्स द क्रॉसबो एंड कैटापल्ट द बैटल ऑफ बैटल एक्स एंड बैटरिंग राम राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए द सीज इंजिन एंड सैरिटोस क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वेयर अर्ली असीरियन वेयर बेस्ट नोन फॉर ये जो ऑप्शन देछि ए ऑप्शन मन मध्ये हम बाछिबा जे को जिंस पई आमे अर्ली जो प्रारंभिक थरे जते बेले हम को तुम कोन को शामसिया दत थिले तो तांको समय रो तिग्लत बेलसर फास्ट को समय तिग्लत बेलसर को फास्ट को समय रे नो ते एसे अर्ली असीरियन जो मन थिले तमन शामसिया दत तांको समय रो आमे असीरियन मन को कोन पई जानंथि ऑप्शन देछि तांकर ओडे लाइब्रेरी थिला निने सेति पई सेमन भलो ट्रेडर थिले सेति पई बा सेमन आर्ट एंड क्राफ्ट पई हो बा सेमन रो और डिस्टिंक्टिव लार्ज बियर्ड पई हो कोन पई हम जानतले ना कोन पई जानतले बिकॉज द असीरियन वेयर अ बेस्ट नोन एज ट्रेडर मनकता आली जो असीरियन माने थिले तंको हमें भलो ट्रेडर हिसाब से जानते से हमें आली असीरियन मन को मने रखी छन आली असीरियंस माने लेटर असीरियंस माने नो तो 24 नंबर क्वेश्चन अछि व्हाट डिड द असीरियन डू आफ्टर दे फाइनाली डिफिटेड द बेबिलोनियन जत बळे से माने फर्स्ट टाइम बि बेबिलोनियन मन को डिफिटेड करथिले परास्त करथिले तापर से माने कोन करथिले दे बर्न बेबिलोनियन लाइब्रेरी दे रिबिल्ड बेबिलोन एटा हम राइट बिकज मनता से असुरन असुर एसीडेन्ट मैंने कौन अनुभव कले बेबिलोन मानक चीफ गल मारडुक काले से भाव खराब भावे कूपदृष्टि पड़े से कौन करते जितेबाला बेबिलोन को कंक्वर्ड कले पुनर्वार निर्माण करते यहाँ अप्सन यहाँ हम रईट आंसर तर देखिए आउ कौन हो पार दे फर्स्ट बेबिलोनियंस टू मूव टू अदर पार्ट ऑफ एम्पायर हाँ यहाँ राइट आंसर हम दुटा राइट आंसर मुझे दीटा दुटा हो पाए जितेबाला यही भाया क्वेश्चन दुटा आंसर को ठीक थी तुम तक आटेड कर छाड़ी आसबन जब छाड़ी आसो तो मार्क कटो तुम मार्क मिलन जब तुम आटेड कर क्वेश्चन भूल थाए ठीक थाए सब जगह तुमको ग्रेस मार्क मिल रईट आंसर कौन हम दे रिबिल्ड बेबिलोन दे फोर्स बेबिलोनियंस टू मूव टू अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर जब बेबिलोन मन को डिफीट कले परास्त कले दे कट द हेड ऑफ द स्टैच्यू ऑफ बेबिलोन पैटर्न गड मार्ड्रोक ना एटा नुह ए दुटा हम दे रिबिल्ड बेबिलोन एंड दे फोर्स बेबिलोन टू मूव टू अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर क्वेश्चन नंबर 25 हाउ डिड एसीरियन राइज टू पावर एसीरियन माने केमिति क्षमता को आसिले ऑप्शन देछि द एसीरियन रोज पावर थ्रो तो एसीरियन माने केमिति पावर को बा क्षमता को आसीले एडवांस ऑफ एजुकेशन एजुकेशन एडवांस ला सेति पई हो बा डील मेकिंग एक्सपर्टाइज से माने थिले डील मेकिंग रे एक्सपर्टाइज थिले सेति पई हो बा मिलिटरी डोमिनेशन पई हो बा थ्रू लॉ एंड आर्ट लॉ एंड आर्ट एंड लिटरेचर एथिपाई हो राइट आंसर कौन हम केमी कौन एसीएन मैंने पावर को आइए तो 25 राइट आंसर कौन हम मन रखित एसीएन मैंने मिलिटरी पावर से कहुए रोमान ऑफ एशिया एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिटरी कल्चर पर कहते रोमान ऑफ एशिया मन रखता मिलिटरी डोमिनेशन एसीएन मैंने क्षमता को आसी जदि बाहर किसी नएज सब थो तुम मैंने आवोड कर बिकज बर्तमान जो मुझे सुट करुँ बर्तमान वर्षा होना तो बाहर नएजटा सुबुथ पार्ता आवोड कर पाठ से मन दि क्वेश्चन नंबर 26 ह्वाट इज फिचर इन मच अफ एसीरियन आर्ट कौ फिचरटा थी जो अप्सन दे किंग्र रिलीफ कार्विंग असीरियन लैंडस्केप फैमिली लाइफ कौटा आम असीरियन जो आर्ट्रे आम फिचर्स थी राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 26 होती
रिलीफ कार्विंग थिला आसीरियन आर्टर फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 27 कौन रोज देखा हाउ डिड द एसीरियन कंट्रोल देयर लार्ज एम्पायर। एसीरियन मान थे किपरि बृहत एम्पायर को कंट्रोल करुले ओके नियंत्रण करुले यूज ये कौन लिखाई यूज हाइपोथेसिस तापर स्टेट चूज देयर ओन लीडर से निज निज जो मान एरिया को कंक्वर करते अलाउड कंक्वर स्टेट टू से निज निज अंचल निज निज प्रतिनिधि बाछबे। दे यूज वेल ऑर्गेनाइज्ड कमेंट दे ब्राइब्ड लोकल लीडर्स। राइट आंसर कौन हे ये राइट आंसर मतलब दुटा हे गोटे हम दे अलाउ करते टू कंक्वर स्टेट जो जो कंक्वर करते ओन लीडर बाछे सपोज ए एरिया से कंक्वर कले तो एरिया लोक मैं कहल तुम तुम लीडर को निजे बाछ तो यहाँ हम गोटे कंट्रोल कर गोटे पद्धति आउ गोटे वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट थी ए दुटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी से कमी निज को कंट्रोल करते निज साम्राज्य को भल भाव पढ़ी था ऑप्शन देखो से गुड़ा थी तुम ठीक मार गोल बुले। क्वेश्चन नंबर 28 द दिस असरपर टू द थ्रोन हु रूल्ड 745 बीसी टू 727 इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सेकंड असीरियन एम्पायर व्हाट इज नेम। से कौन बुझ एतिमधर किए जहाँ को आम कहते असरपर एवं सीए मध्य कौन करते ना सेकेंड एशियन एम्पायर को मुझे कही फास्ट एशियन एम्पायर को जिते बड़े आमर सामसी आगे दौर फाउंडर किंतु रियल फाउंडर हो किए तिलगत पिल्सियर फास्ट ओके किंतु तुम सेकेंड जो थी तुम एशियन एम्पायर तार फाउंडर किए तिलगत पिल्सियर थर्ड ये मतलब जड़े असर पड़ते समय सीमा के लिखाई देख 745 रु 727 बेसी मुझे चाहते थे आउ गए क्वेश्चन तैयार करता हूज टाइम पीरियड इज हूज एसीरियन किंग्स टाइम पीरियड बिटवीन एतिक रु एक पचार ना मुझे गोटे क्वेश्चन लिखिदी एत क्वेश्चन लिखा आवश्यक ना मनोक्त तिलगत पिल्सियर थर्ड समय सीमा हो 745 रु 727 बेसी। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ एसीरियन एम्पायर आट इट्स फाउंडिंग इन 745 बीसी जो 745 बीसी प्रतिष्ठा करागला एसीरियन एम्पायर को पुनर्बार तो यार कौन थे कैपिटल यार कैपिटल कौटा थी तो ऑप्शन दे देख 29 नंबर ऑप्शन दे असुर खातुसा निर्मूड बेबिलोन राइट आंसर कौन हम निर्मूड मन रखता निर्मूड थी किंतु सेनाचेरी समय असुर मानक समय ट्रांसफर होगा निनेव निर्मूड थी फास्ट कैपिटाल सेकंड कैपिटालटा सेकंड एम्पायर जो प्रतिष्ठा करागला तर कैपिटाल थी निर्मूड। क्वेश्चन नंबर 30 सालमेनसार सक्सेसर बाय असरपन व्हिच ग्रेट एसीरियन किंग दैट रूल्ड फ्रॉम 722 टू 705 बीसी कौ आउ जन प्रख्यात रूलर जी मध्य बलपूर्वक भाव में सिंहासन आरोहण करते अलरेडी मुझे सारी होती किए सार्गन सेकेंड समय सीमा हो 722-705 निकस जेनेल थे आर्मीर से बलपूर्वक भाव में सिंहासन आरोप करते केवे ना 722-705 समय सीमा मन रख दीज जन हो तिलगत पिल्सर थार्ड से मैं असर पड़ते सार्गन सेकेंड असर पड़ते। क्वेश्चन नंबर 31 इट वाज ड्यूरींग द रेन अफ सेनाचेरी सेनाचेरी समय सीमा देख सब समस्त समय सीमा मैं लिखी नोट कर दि 704-681 बीसी दैट द एसीरियन कैपिटल वाज मूव टू ह्विच लोकेशन फास्ट मुक फास्ट कह निर्मूड था कि मन रखता सेनाचेरी समय कौन है कैपिटाल ट्रांसफर है तो कौटू कौट गला 704-681 तो मन रखता कौट गला निनेव को ट्रांसफर होता क्या समय सेनाचेरी समय मत कमेंट बक्स में कमेंट कर मैंने रियली पढ़ुच जे क्यों सुल्तानेट समय रे क्यों सुल्तान का शासन समय रे दिल्ली रु दौलताबाद को कैपिटल ट्रांसफर होता। क्वेश्चन नंबर 32 तो आशा कर आप सब बुझीपे व्हिच ऑफ दिस इंपोर्टेंट इवेंट डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग सेनाचेरी रेन और कौन बुझ सेनाचेरी राजत्व समय एतिमध्ये केउटी घटी नथिला जेरुसलम वाज लुटेड एंड डिस्ट्रॉयड द एलामाइट्स वेर डिफिटेड बेबिलोन्स वाज लुटेड एंड डिस्ट्रॉयड युद्ध वाज कैप्चर्ड एंड मेड ए भासल
ଯେ ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା, କେବଳ ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜେରୁଜେଲମ୍ ୱାଜ୍ ଲୁଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଏଇଟା କେବଳ ସେନାଚେରୀ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କାଲ୍କ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଏସିର ଏସିରିଆମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବି ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, ଏଗୁଡ଼ା ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ସେ ସବୁଯାକ ବିଜେତା କରିଥିଲେ ବା ସବୁଯାକ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେରୁଜେଲମ୍କୁ ସେ କେବେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିନଥିଲେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, ପରହାପ୍ସ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ବାଇ ସେନାଚେରୀଫ୍ ସକ୍ସେସର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍। କିଏ ଥିଲେ ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କ ସକ୍ସେସର୍? ସାର୍ଗନ୍ ଆସିଲେ, ସାର୍ଗନ୍ ପରେ ତୁମର ଆସିଲେ ଏର୍ସାମସ୍, ତା'ପରେ ଆସିଲେ ସେନାଚେରୀଫ୍। ତ ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କର ସକ୍ସେସର୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନେଇଛି ଅସୁରବାନିପାଲ, ତିଲଗତ ପିଲେସର ଫିଫ୍ଥ, ସାଲେମେନ୍ ସାର୍ ସିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଟ୍ସେଟନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୁଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବେ ତୁମ ସାର୍ଗନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଆସିବେ ସେନାଚେରୀଫ୍। ତ ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବେ ତୁମର? ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କ ପରେ ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ କ'ଣ ନା ଏଟ୍ସେଟନ୍। ଏଟ୍ସେଟନ୍ଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ତୁମର ଅସୁରବାନୀ ପାଲ। ଓକେ, ଇସାର୍ ଆଡନ୍, ଇସାର୍ ଆଡନ୍, ଓକେ, ସାହାର୍ଟ ଇସାହାର୍ଟ ଡନ୍, ଏବେ ଇସାହାର୍ଟ ଡନ୍ ହେବ, ଯିଏକି ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇସାହାର୍ଟ ଡନ୍ଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ କିଏ ଅସୁରବାନୀ ପାଲ, ଇସାହାର୍ଟ ଡନ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଏସିରିଆ? ଏସିରିଆମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥିଲେ 669 627 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ଏସିରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ର ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍। ତ ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ କିଏ ନା ହେବ ତୁମର ଅସୁରବାନିପାଲ, ମନେ ରଖିଥା ଅସୁରବାନିପାଲ ହେବ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍, ତାଙ୍କ ସମୟ ସୀମା 669 627। ସେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ 612 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏସିରିଆ ରାଜାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର୍ କିଏ? ଅସୁରବାନୀ ପାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35, ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ ୱାଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଣ୍ଡର୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ 622 BC ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ପେୟାର୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମର୍ ଏସିରିଆନ୍ ଭାସାଲ୍ସ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଏସିରିଆନ୍ସମାନଙ୍କର ଭାସାଲ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଲୁଟିଥିଲେ, ଏସିରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିନି, ଏଇଟା ପର୍ସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବୋଥ୍ ବେବିଲୋନିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଏସିରିଆନ୍, ମାନେ ବେବିଲୋନିଆନ୍ର ଯେଉଁ ଏସିରିଆନ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ସିଆନ୍ ବେବିଲୋନିଆନ୍, ବେବିଲୋନିଆନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପର୍ସିଆନ୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏସିରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ 612। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଏସିରିଆନ୍ ଥଟ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଅପସେଟ୍ ଆଫ୍ଟର କଙ୍କ୍ୱେରିଂ ବେବିଲୋନ୍? ଏସିରିଆନ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଇଛି ଯେ ଏସିରିଆନ୍ ମାନେ ବେବିଲୋନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ କଙ୍କ୍ୱେର୍ କଲା ପରେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ କେଉଁ ଗଡ୍ ମେ ବି ଅପସେଟ୍ ବା ରୋଗ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ରାଗିପାରନ୍ତି, ତ ସେ ଗଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଗଡ୍ ହେବ ମାର୍ଡୁକ୍, ବିକଜ୍ ବେବିଲୋନିଆନ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାର୍ଡୁକ୍, ଚିଫ୍ ଗଡ୍। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ମାର୍ଡୁକ୍ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ତୁମର ବେବିଲୋନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ, ବେବିଲୋନ୍ ସିଟିକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37, ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ସେନାଚେରୀଫ୍ ବିଲ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍? ସେନାଚେରୀଫ୍ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନିନେଭ୍, ନିର୍ମୁଡ୍, କନ୍ସେସ୍, ବେବିଲୋନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନିନେଭ୍। ମନେ ରଖିଥାଉ, ନିନେଭ୍ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ଥିଲା ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଭାବିନ ଏଇଟା ପ୍ୟାଲେସ୍, ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 20 ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ୟାଲେସ୍। କାହାର ନା ତୁମର ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କର, କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନିନେଭ୍ ଠାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38, ହୁ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଅ କଏନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କଏନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏଟା ତ ଯେହେତୁ ଏସିରିଓ ପଢ଼ାଉଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏସିରିଓ, ମନେ ରଖିଥା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ଏସିରିଓ ହିଁ ମାରିବ, ଯଦି ଏସିରିଓ ପଢ଼ାଉଛି ଅଲଗା ଅପସନ୍ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧରିଦେବ ଏସିରିଓ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଶିକି ଆସିବ ତୁମେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଫ୍ଟର ହୁଜ୍ ନେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିରିଆନ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ନିନେଭ୍? କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏସିରିଓମାନଙ୍କର ନଗରୀ ଅଛି ନିନେଭ୍, ଯେଉଁଟା ସେନାଚେରୀଫ୍ଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଭାବିନ ଏଇଟା ପ୍ୟାଲେସ୍, ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ 20 ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିପାରୁଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା
आफ्टर हुज नेम का ना आंसर होता नीना नेफ्रीति निपुर मार्डुक राइट आंसर कौन नीना तो नीना किए थे नीना थे चीफ गडेसेस असुर मान चीफ गडेसेस नीना ना अनुसार नगर नाम होता कैपिटल ना होता नीनेब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 ड्यूरिंग हुज रेन एसिरियन एम्पायर एक्सटेंड अप टू इज्राएल इज्राएल हम का समय एसिरियन एम्पायर इज्राएल पर्यंत परिव्याप्त थिला ऑप्शन 40 रे देखिबा अछि सेनाचेरीफ सार्गन सेकंड असुरवनिपाल तिलगत थर्ड राइट आंसर कौन हम मन रखता सेनाचेरीफ समय एसिरियन एम्पायर तुम कोड व्यापी थिला इज्राएल पर्यंत ओके तो सन अफ तुम बुझिपार सेनाचेरीफ किए सेनाचेरीफ सार्गन सार्गन सेकंड पुओ जे थिले तो समय सीमा तो मुझे कही सारी तुमको आज कह चाहूँ। क्वेश्चन नंबर 41 हु इंट्रोड्यूस रॉयल पोस्टल सर्विस जेहतु ऑप्शन गुड़क देखिए मैंने ऑटोमेटिक बुझीप एसीरी अच्छे मैंने एसीरी पढ़ाऊँ आंसर एसीरी हम कि क्वेश्चन मिसेक आसो मन रखता रॉयल पोस्टल सर्विस कौ पचार बुझ इंट्रोड्यूस रॉयल पोस्टल सर्विस किए इंट्रोड्यूस करते एसीरियन मैंने। क्वेश्चन नंबर 42 कौन आस देखा हुटा हम हु वेर कॉल्ड रोमान ऑफ एशिया एथिमदर का ऑलरेडी मुझे आंसर कही सारी जितने डिस्कशन करी एसीरिया मान को कहुए रोमान ऑफ एशिया कहीं बिकज तर एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करार शैली युद्ध करार पारंगम कला को देखिक रोमान ऑफ एशिया बोली कही था ओके रोमान ऑफ एशिया क्या कहुए एसीरिया मान। क्वेश्चन नंबर 43 हुज मिलिटरी विक्ट्री कार्ड ऑन काल्क रॉयल पैलेस अलरेडी पे मुझे कौन कही थी काल्क रॉयल पैलेस रे कार विक्ट्री अच्छी लिखाई अच्छी तो ये ऑप्शन कौन कौन दे तिलगत फिलिशियल असुरवानीपाल सेनाचेरीफ सार्गन सेकंड मन रखता दीज हम असुरवानीपाल एविडेन्स मिलू सेनाचेरीफ एविडेन्स मिलू बट जदि असुरवानीपाल और सेनाचेरीफ अच्छा तुम उभय को मारी पार किंबा गोटे जेको मारी पार राइट जब असुरवानीपाल खाली अच्छे तुम असुरवानीपाल मार तो असुरवानीपाल ना सेनाचेरीफ अच्छी तुम सेनाचेरीफ मार बोथ अच्छी जो गोटे मारे ठीक हम तो डियर स्टूडेंट्स मन रखता काल्क टेम्पल कहीदी काल्क रॉयल पैलेस तो काल्क रॉयल पैलेस कार मिलिटरी विक्ट्री मिलिटरी अचीवमेंट रेकर्ड होती असुरवानीपाल अंकित हो असुरवानीपाल आ सेनाचेरीफ तो जो मैंने कमन पीजी एंट्रान्स टेस्ट दौन अलरेडी मुझे कौच बर्तमान तो अमर चलती वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज सरवापर विदिन पांचटा क्लास भितर मुझे चेस्टा करी तुम ओडिशा हिस्ट्री को मैक्सिमम पार्ट को मुझे कवर करदे तो आशा करुच्ची आज भिडियो आप बहुत भल लगी जो मैं भिडियो बहुत भल लगी निश्चित सब्सक्राइब करते लाइक करते कमेंट करते पाखर जो बेल आइकन तक बजाई दिखुं मो चेल आसता प्रति नुआ नुआ भिडियो इनफर्मेशन पाइबा रोचा गोटे नुआ भिडियो।